सो गाइस, आज वाली माइनक्राफ्ट की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट की कुछ अनसॉल्व मिस्ट्रीज के बारे में। तो आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके आ जाओ वीडियो के अंदर। लेट्स बिगिन। नंबर 1, ज़ॉम्बी। ये है कौन और ये आए कहां से हैं? ये हमेशा विलेजर्स और प्लेयर्स के ऊपर अटैक करते रहते हैं, लेकिन आपने एक चीज जरूर नोटिस करी होगी कि ज़ॉम्बीज के कपड़े बिल्कुल स्टीव के कपड़ों जैसे दिखते हैं। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो सारे ज़ॉम्बीज हैं एक टाइम पर स्टीव हुआ करते थे। तो इस थ्योरी को समझने के लिए आपको माइनक्राफ्ट के 100 साल पीछे जाना होगा, जिस टाइम पर कोई ज़ॉम्बी नहीं हुआ करता था और सारे के सारे लोग स्टीव जैसे दिखते थे, और विच के एक गलत केमिकल पोशन की वजह से एक नॉर्मल प्लेयर ज़ॉम्बी में बदल गया और उस ज़ॉम्बी ने सारे के सारे प्लेयर्स को इन्फेक्टेड कर दिया, जो कि आज ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है जो ये ज़ॉम्बीज है एक टाइम पर स्टीव का परिवार हुआ करता था, और तभी तो ज़ॉम्बी के बाइट करने से एक नॉर्मल विलेजर ज़ॉम्बी विलेजर में बदल जाता है, क्योंकि सारे ज़ॉम्बीज चाहते हैं वो हमको अपने जैसा बना लें और सबको ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट कर दें। नंबर 2, माइनक्राफ्ट में हमारा क्रीपर बाकी हॉस्टाइल मॉब से कुछ ज्यादा ही अलग है, और ये कितना ज्यादा पावरफुल है आई थिंक ये बात बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सवाल ये उठ के आता है कि ये क्रीपर आया कहाँ से। काफी लोगों का ये मानना है कि कोडिंग में एक एरर के कारण ये क्रीपर स्पॉन हो गया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके पीछे एक बहुत ज्यादा बड़ी मिस्ट्री हो जिससे कि आप और मैं अभी तक अनजान है। तो इस मिस्ट्री को समझाने के लिए आपको और मुझे ऐसे विलेज में जाना होगा जहाँ पर खाने की कमी से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही थी। ये एक ऐसा विलेज है जहाँ पर खाने की कमी बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत थी, और जो बची कुची क्रॉप्स होती है वो ये पिलेजर्स आकर खराब कर देते थे, और साथ के साथ ही काले बादल इस विलेज के ऊपर काले साए की तरह मंडराते थे, क्योंकि जो भी लाइटनिंग बोल्ट गिरती थी इस विलेज को तहस नहस करके चले जाती थी। तो तभी सारे विलेजर्स मिलकर ये डिसाइड करते हैं वो एक ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे जहाँ पर उनका खाना और कीमती सामान सेफ रह सकता है, और तभी जन्म होता है हमारे डेजर्ट पिरामिड का। और डेजर्ट पिरामिड के अंदर एक विलेजर इस कीमती सामान की रक्षा करने के लिए रुक जाता है, और उसके हाथ में रह जाता है ये गन पाउडर। और फिर से एक ऐसी रात आती है जिससे कि हर विलेजर कांप उठता था, और एक ऐसी तबाही दार बिजली सीधा पिरामिड पर आके गिरती है जिससे वो पिरामिड तहस नहस हो जाता है। और बारिश रुकने के बाद जब वो सारे विलेजर उस पिरामिड के अंदर जाते हैं तो समझ लो उनके पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई हो। उनको दिखता है एक ऐसा मॉब जिसके कोई हाथ नहीं है और उसकी पूरी बॉडी हरी पड़ चुकी है। हाँ, उस धमाके ने इस विलेजर की पूरी लाइफ चेंज कर दी, जो कि अब एक क्रीपर में बदल चुका है। और क्या आपको यहाँ पर कोई कनेक्शन फील हो रहा है? जब भी आप डेजर्ट पिरामिड के अंदर जाते हो तो आपको उनकी दीवारों पर क्रीपर का फेस देखने को जरूर मिलेगा। वैसे ये कहानी कितनी सच्ची और कितनी झूठी ये चीज मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। नंबर 3, माइनक्राफ्ट के अंदर काफी सारे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे हमारा डेजर्ट पिरामिड, पिलेजर आउटपोस्ट, और उनमें से एक है रुइन पोर्टल। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस पोर्टल को तोड़ा किसने, या पुराने टाइम में ये रुइन पोर्टल एक पूरा पोर्टल हुआ करता था, और ऐसा क्या है कि जो हमको रुइन पोर्टल के साथ में हमेशा एक गोल्ड ब्लॉक देखने को मिलता है। तो काफी सारी थ्योरीज का ये मानना है कि पुराने टाइम में पिगलिंस ने पोर्टल बनाने की कोशिश करी थी ताकि वो ओवरवर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सके, लेकिन ओवरवर्ल्ड का एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग है नेदर से। जैसे ही वो ओवरवर्ल्ड में आते हैं उनकी पूरी स्किन जल जाती है और सारे के सारे पिगलिंस ज़ॉम्बीफाइड पिगलिंस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और यही कारण था कि उन्होंने पोर्टल को तोड़ा ताकि वो अपने आप को और अपने परिवार को बचा सके। और हमेशा जो आपको गोल्ड ब्लॉक देखने को मिलता है रुइन पोर्टल के ऊपर, ऐसा भी हो सकता है कि वो गोल्ड ब्लॉक उन पिगलिंस का हो। वेल, आपको क्या लगता है इस रुइन पोर्टल के बारे में नीचे कमेंट में जरूर बताना। नंबर 4, ये है माइनक्राफ्ट की ऊपरी सतह। यहाँ पर खेलना बड़ा ही आसान है यार, और ये है माइनक्राफ्ट का अंडरग्राउंड एरिया। यहाँ पर सरवाइव करना कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। ये खतरनाक सी केव्स, साथ के साथ अब तो वार्डन को भी ऐड कर दिया गया है। लेकिन नीचे अंडरग्राउंड हमको माइनशाफ्ट भी तो देखने को मिलती है। काफी सारे लोगों का मानना है जो एंशियंट बिल्डर्स थे उन्होंने ये माइनशाफ्ट को बनाया है ताकि वो अपनी माइनिंग कर सके, लेकिन सच में ऐसा है भी, क्योंकि शाफ्ट के अंदर अभी भी ऐसी काफी सारी जगह है जहाँ पर किसी ने माइनिंग करी नहीं रखी। इसका मतलब ये भी हो सकता है जो एंशियंट बिल्डर्स थे वो माइनिंग के लिए नहीं किसी से छुप के नीचे रहते थे, क्योंकि उनको माइनिंग कर अपना कीमती सामान ले जाना ही होता तो ये चेस्ट में अपना सामान क्यों छोड़ते। और अगर अभी भी आप माइनशाफ्ट के अंदर जाते हो तो आपको रेल कार्ट्स चलने की आवाज आती है। उन कार्ट्स को अभी भी कौन चला रहा है इस चीज का तो किसी को नहीं पता, और ये स्टोरी कितनी सच्ची और कितनी झूठी ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। 5वां नंबर, माइनक्राफ्ट में ये विलेजर्स कुछ ज्यादा ही लल्लू हैं, लेकिन यार एक बात बोलूं, ये हमारे बहुत काम आते हैं। तुम हेबल्स भी चुरा लो इनसे, तुम इनसे ट्रेडिंग भी कर लो, तुम इनके घर में भी रह लो, ये फिर भी तुमको बस एक ही चीज बोलेंगे।
वेल, अगर इनके पीछे ज़ॉम्बीज पड़ गए तो ये विलेजर्स भागने के अलावा कुछ नहीं करते। लेकिन फिर कहानी में आता है एक छोटा सा ट्विस्ट और थोड़ी देर बाद का सीन ऐसा होता है। खैर, ये तो रहा हमारा नॉर्मल आयरन गोलम, लेकिन इसके बारे में क्या कहना है? ब्लड गोलम। इसके ऊपर काफी सारी वीडियोस बन चुकी है, लेकिन आपको पता है कि ये नॉर्मल गोलम ये ब्लड गोलम कैसे बना, या ये सच में प्लेयर्स का खून पी लेता है? रुको, मैं आपको अभी सब कुछ समझाने वाला हूँ। ये बात है उस टाइम की जब विलेजर्स को कोई डर नहीं होता था और एनिमल्स को मारने वाला भी कोई नहीं था और इस वर्ल्ड में रिसोर्सेज भी काफी सारी हुआ करती थी। लेकिन फिर आता है वो टाइम जब धीरे धीरे ये प्लेयर्स स्पॉन होने लग गए। ये प्लेयर्स अपने फायदे के लिए एनिमल्स को बिना बात के मार दिया करते थे। धीरे धीरे रिसोर्सेज कम होना शुरू हुई और ये विलेजर्स, इन प्लेयर्स ने विलेजर्स को तो सबसे ज्यादा तंग करा है। बिना बात के इनकी रिसोर्सेज ले लेते थे, इनके घर को नुकसान पहुंचाते थे, इवन इनको मार भी डालते थे। ये सब चीजें होते हुए आयरन गोलम देख रहा था, बट वो बेचारा करे तो क्या करे, क्योंकि इन प्लेयर्स ने अपने फायदे के लिए आयरन गोलम को भी नहीं छोड़ा। एंड काफी सारी थ्योरीज तो ये भी बताती है कि एक आयरन गोलम रेडस्टोन की टॉर्च के बीच में खड़ा होता है, जिसको 5-6 गोलम्स ने कवर कर रखा है, और आसमान से जैसे ही बिजली गिरती है वो ब्लड गोलम में बदल जाता है। लेकिन जहां तक मेरे को लगता है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने वर्ल्ड की रक्षा करने के लिए आया है। जो प्लेयर्स एनिमल्स को मारते थे, विलेजर्स पर अत्याचार करते थे, ये गोलम उनको बेडरॉक के प्रिजन में बंद कर देता था, और कोई कोई प्लेयर्स तो भूख की वजह से उसी प्रिजन में मर जाते थे, और जो बाकी बचते थे वो गेम लीव करके चले जाते थे। और ये भी कहा जाता है कि इसके पास एक ऐसी स्पेशल एबिलिटी है, ये प्लेयर को कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर देता है, और टेलीपोर्ट करने से पहले उसका गेम को भी हार्डकोर बना देता है। ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, कितना सच्चा है कितना झूठा नीचे कमेंट में बताओ ना मेरे भाई। नंबर 6, मशरूम बायोम। ये एक ऐसी बायोम है जो बाकी बायोम से कुछ ज्यादा ही अलग है। एक तो इस बायोम के मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा रेयर होते हैं, और कई लोगों का तो ये भी मानना है कि एक टाइम पर इस बायोम के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब्स के एक्सप्लोजन होते थे। और अगर आपने कभी नोटिस करा हो तो इसकी जमीन में से ऐसे पार्टिकल्स निकलते हैं जो बिल्कुल केमिकल पार्टिकल्स जैसे दिखते हैं। और इस बायोम पर स्पोन होने वाली काव नॉर्मल काव से बहुत ज्यादा अलग होती है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इस केमिकल रिएक्शन की वजह से ये नॉर्मल काव मशरूम काव के अंदर बदल गई। और कोई कोई थ्योरीज तो ये भी कहती है जो ये मशरूम के ट्रीज है बिल्कुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के क्लाउड जैसे दिखते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इसकी जमीन में अभी भी ऐसे केमिकल्स मिले हुए हैं जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी मॉब स्पॉन नहीं होता है, और अगर पहले के टाइम में हुआ भी करते थे तो वो स्पॉन होते ही कुछ टाइम बाद मर जाते थे। आपको क्या लगता है, यहाँ पर सच में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ करते थे या ये सिर्फ मिथ्स हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताना। और गाइज, मेरे चैनल पर रोड टू 1 मिलियन चल रहा है, और मैं देख रहा हूँ जो भी मेरी वीडियोस देखता है उसमें से 70% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है। तो अगर आपने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो। 8वां नंबर, स्टीव। माइनक्राफ्ट का एक ऐसा एंटिटी जो बहुत ज्यादा स्पेशल है। ये कुछ भी क्राफ्ट कर सकता है, विच की तरह पोशंस बना सकता है, और इसकी एक सबसे स्पेशल एबिलिटी रिस्पॉन होने की। माइनक्राफ्ट में अगर एक बारी भी कोई मरता है तो कभी रिस्पॉन नहीं होता है, बस स्टीव को छोड़कर। बट स्टीव के पास ये एबिलिटी है क्यों? और स्टीव का सिर्फ एक गोल होता है, एंडर ड्रैगन को मारने का। और आप कभी भी नोटिस कर लेना, जब भी आप एंडर ड्रैगन को मारते हो तो आखिरी में एक मैसेज आता है, आई लाइक दिस गाय, दे डोंट गिव अप। इसका मतलब ऐसा हो सकता है जब भी कोई पहले एंडर ड्रैगन को मारने आया था उन्होंने गिव अप कर दिया था, और स्टीवी एक ऐसा प्लेयर है जिसने अभी तक गिव अप नहीं करा। और इसका मतलब एंशिएंट बिल्डर्स ने भी एंडर ड्रैगन को मारने की कोशिश करी थी, लेकिन वो लोग इस चीज में सफल नहीं हो पाए। और ऐसा भी हो सकता है जो एंशिएंट बिल्डर्स थे उन्हीं ने स्टीव का इन्वेंशन करा है, और उन लोगों ने स्टीव को एक ऐसी एबिलिटी दी है जिससे कि स्टीव कभी भी नहीं मर सकता। आपको क्या लगता है इन सब थ्योरीज के बारे में, नीचे मेरे को जरूर बताना कमेंट में। सो गाइस, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जिसको नहीं पता उसको बता दूं कि आपका माइंड फ्लक्स भाई प्लेग्राउंड सीजन 2 के अंदर है। तुम मेरे को वहां पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।